ऐसे में बेटा क्या होता है, हम लोग जब एक पेड़ की बात करते हैं तो ध्यान से देखना, ये अगर एक पेड़ है, इस पेड़ को मैं जब शेक करूंगी तो इस पेड़ पे प्रेजेंट अगर कोई लीफ है, अगर कोई फ्रूट है, तो वो कौन से स्टेट में होगा? रेस्ट में होगा। वो बोलेगा मेरे को चलाओ चलाओ नहीं। अब उसका इनर्शिया क्या बोलेगा, अगर तेरे को कोई चला है तो तू उसको अपोज करना, अगर कोई तेरे को चला है तो उसको तू अपोज करना, यानी कि कोई तेरे को यहाँ ले जाए तो तू कहाँ चले जाना, इधर। यानी कि जब पेड़ यहाँ जाएगा तो फ्रूट इधर जाएगा, पेड़ यहाँ जाएगा तो फ्रूट इधर आएगा, पेड़ यहाँ जाएगा तो फ्रूट इधर, पेड़ यहाँ, ये यहाँ, 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 ऐसा सिस्टम चलेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, जब ऐसे दो तीन बार हो जाएगा, जब ऐसे दो तीन बार हो जाएगा तो जो एप्पल है वो इवेंचुअली ड्यू टू फ्रिक्शन उसकी ग्रिप टूट जाएगी और वो नीचे गिर जाएगा। फूल के साथ भी यही होगा और पत्ते के साथ भी यही होगा, ठीक है ना। ठीक है। देखेंगे दैट द फ्रूट्स, पहले देख लो, समझ लो, फिर लिखते रहना फटाफट। द फ्रूट्स या फिर ब्रैकेट में लीव्स अगर आता है तो लीव्स, फ्लावर आता है तो फ्लावर, क्या ठीक है। द फ्रूट्स लीव्स फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन अ ट्री हैव एन इनर्शिया ऑफ रेस्ट, have an inertia of rest, full stop. When the tree is shaken, when the tree is shaken, they oppose the motion of the tree. They oppose the motion of the tree by moving in opposite direction. By moving in opposite direction, moving in opposite direction, and eventually break and fall off the tree. ठीक है, तो ये है तुम्हारा आंसर नंबर 1। क्या सबको समझ में? यानी कि क्योंकि कार और बस रेस्ट पे थे तो उसमें बैठे हुए पैसेंजर्स भी क्या रेस्ट पे, तो उनके अंदर टेंडेंसी कौन सी होगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यानी कि अब उनको कोई भी चलाना स्टार्ट करेगा तो वो क्या करेंगे, उसको अपोज करेंगे। यानी कि अगर हम बस को आगे बढ़ाएंगे तो उसको अपोज करने के लिए क्या करेंगे, पीछे जाएंगे, पीछे जाएगी। अगर हम उसको पीछे ले जाएंगे तो उसको अपोज करने के लिए वो क्या करेगी, आगे जाएगी, आगे ठीक है। जाएंगे। तो अब जब हम लोग इसका आंसर फ्रेम करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी आर इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, वी आर इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, ब्रैकेट में लिख देना इनर्शिया ऑफ रेस्ट, व्हेन द बस इट हैज ड्रिफ्ट, व्हेन द बस इज एट रेस्ट, फुल स्टॉप। When the bus starts moving suddenly, when the bus starts moving suddenly, जब बस क्या होती है, suddenly move करना start करती है, तो passengers साइड पे रहते हैं, inertia of rest। हमने यहाँ पर V लिखा है इसलिए मैं आंसर में भी क्या लिखती हूँ, V। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है पैसेंजर आता तो तुम V की जगह क्या लिख दोगे, पैसेंजर्स, ठीक है ना। V tend to oppose it, we tend to oppose it by moving backward, ठीक है। तो ये क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। सिमिलरली अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखें तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, दैट व्हाई डू वी फॉल फॉरवर्ड, व्हाई डू वी फॉल फॉरवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट्स मूव, व्हेन अ बस स्टॉप सडनली, ठीक है। तो उसका आंसर क्या लिखेंगे, दैट द पैसेंजर्स, द पैसेंजर्स आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन,
हाँ आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन, इनर्शिया आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन, आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन व्हेन द बस इज मूविंग, व्हेन द बस इज मूविंग फुल स्टॉप, व्हेन द बस स्टॉप्स सडनली, व्हेन द बस स्टॉप्स सडनली द पैसेंजर्स मूव फॉरवर्ड, द पैसेंजर्स मूव फॉरवर्ड टू अपोज, टू अपोज इट्स, टू अपोज इट, लिखने The people in the bus have inertia of direction. ठीक है, two inertia of direction. Full stop. When the bus takes a sudden turn, when the bus takes a sudden turn, when the bus takes a sudden turn, the passenger falls. Fall. The passengers fall. Sideways to oppose any change, to oppose any change in its direction, to oppose any change in its direction. Do dust particles come out of a doormat when it is beaten with a stick? अब समझो, अगर कोई डोरमैट है, अगर कोई डोरमैट है, ये मेरा हाथ एक डोरमैट है, इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होंगे, ये सारे डस्ट पार्टिकल्स काय पे होंगे, रेस्ट रेस्ट पे, ठीक है, जब इसको हम लोग कहाँ मारेंगे, डंडे से मारेंगे तो ये कहाँ जाएगी, पीछे, तो इसके पीछे जाने को अपोज करने के लिए डस्ट पार्टिकल्स कहाँ आ जाएंगे, आगे, तो हमें क्या लगेगा कि डस्ट पार्टिकल्स हैं वो डोरमैट से बाहर आ रहे हैं, ओके, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट जब हमने उसको स्टिक से मारा तो उस चीज को अपोज करने के लिए पार्टिकल्स डोरमैट के बाहर आ गए, ठीक है, सो लिखेंगे द डस्ट पार्टिकल्स, द डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन डोरमैट are in a state of rest, are in a state of rest, ठीक है, when it is beaten with a stick, when it is beaten with a stick, when it is beaten with a stick, the doormat moves backward, the doormat moves backward and to oppose it, its motion, dust particles come out, dust particles come out, ठीक है, so when we are in a moving bus we have inertia of motion, when we jump out, when we jump out of the bus suddenly our
बॉडी कम्स टू रेस्ट। टू अपोज दिस, टू अपोज दिस चेंज इन स्टेट वी एक्सपीरियंस अ लार्ज फोर्स, वी एक्सपीरियंस अ लार्ज फोर्स एंड गेट हर्ट। ठीक है, फिर आखिरी में लिखना देयरफॉर इट इज डेंजरस टू जंप आउट ऑफ द मूविंग बस।